तो इस सफर की शुरुआत होती है रात 3 बजे गुड़गांव से, जब मुझे निकलना था सवाई माधोपुर के लिए। यूं तो राजस्थान पर कई इंसानों ने राज किया, मगर इस शहर का राजा कोई इंसान नहीं मगर टाइगर है। दिल्ली से सवाई माधोपुर के लिए आपको कई ट्रेन्स मिल जाएंगी, मगर मैंने चूज किया नंदा देवी एक्सप्रेस में 2 टियर AC कोच को। 4:42 और ट्रेनें मैं आ गया हूँ। धीरे इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि सारे लोग अभी सो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ तो अभी खाली है, आई थिंक उतर गए हैं लोग, ये भी खाली है, बट आगे की तरफ काफ़ी लोग सो रहे हैं अभी भी। ट्रेन की आने जाने की टिकट मुझे पड़ी थी अराउंड 1400 की, जो कि काफ़ी कम था अगर मैं कार से जाने की सोचता। हल्की फुल्की नींद लेते कब 4 घंटे निकल गए और मैं रणथंभौर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। स्टेशन पर मिले मुझे मनीष जी, जिन्होंने 200 रुपये में मुझे ड्रॉप भी कर दिया सिद्धि विनायक होटल पर, जहां मेरा एक नाइट का स्टे था। यहां पर अगर आप पहुंचते हो सवाई माधोपुर में स्टेशन पर, तो आप इनको डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। मैं इनका नंबर आपको दिखाता हूं एक बार, ये इनका नंबर है, तो अगर डायरेक्टली आप कॉल करना है तो इनको यहां पे आके करो और इजीली आपको ले जाएंगे यहां से। मेरा रूम रेंट था 1400 रुपीज़ पर नाइट। ये रूम लेने के पीछे कारण ये था कि मुझे ये ट्रिप एक बजट में करना था और ज्यादा कुछ फैंसी में सोचकर आया ही नहीं था। तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद वक्त हुआ मेरी पहली जंगल सफारी का। 2:15 हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपनी पहली सफारी के लिए। जोन नंबर 3 है अपना। पहले आपको एक चीज बता दूं कि केंटर है अभी। तो रणथंभौर में आप दो तरीके से सफारी कर सकते हो। जिप्सी, जिसमें 6 सीट्स होती हैं और सीट की कॉस्ट आपको पड़ती है अराउंड 1322 रुपीज। दूसरा ऑप्शन है कैंटर, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 20 से 22 की होती है, मगर ये आपको पर सीट सिर्फ 810 रुपये में मिल जाएगी। वैसे तो कैंटर और जिप्सी दोनों में ही टाइगर साइटिंग के चांसेस एक से ही होते हैं, मगर कैंटर में आप पार्क में थोड़ा लेट एंटर करते हो क्योंकि उसमें काफी रिजॉर्ट से गेस्ट को पिक करना होता है। तो 2:40 और अभी तक लोग इकट्ठे कर रहे हैं, बस कैंटर करने की ये ड्रॉबैक है कि लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं यार, उसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो फाइनली हम पहुंचे जोगी महल गेट, जहां से आज की सफारी की शुरुआत होनी थी। एंड टुडे इन जोन नंबर 3 देयर इज अ मेल टाइगर हु हैड किल्ड अ सैम्बर डियर यस्टरडे जस्ट आफ्टरनून। ओके एंड ही इज स्लीपिंग बाय दैट डियर, ही हैज टू बी देयर। We are going to see him. Maybe some stripes, maybe he's in the bushes or maybe he's in open. So it is just your luck. But he's there for sure. क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि यहाँ पर एक मेल टाइगर T120, जिसको गणेश के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक सांबर डियर का किल किया हुआ था, तो ड्राइवर हमें सीधा उसी स्पॉट पर ले गए। यहाँ से इतना क्लियर नहीं है। वो क्लियर तो मैडम वो ऐसे ही है, लोकेशन उसका जैसा दिख रहा है वो पर्याप्त है। हैगा वैसे दिख नहीं रहा है यहाँ से, वैसे सभी के एंगल से नहीं दिखेगा, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, गाड़ी लंबी है, हर एंगल से एडजस्ट करना। यार वहाँ बैठा हुआ लेकिन हमारे को दिख नहीं रहा है यहाँ से, आगे से दिख रहा है। अब जिस जानवर का शिकार किया है उस पर डिपेंड करता है कि टाइगर को कितना टाइम लगेगा उसको फिनिश करने में। इस केस में क्योंकि किल सांबर का था, उसको खाने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं टाइगर को। तो एक बात पक्की थी कि अगले 4-5 दिन वहीं मिलने वाला था ये, क्योंकि अगर ये अपने किल को छोड़कर चला गया तो दूसरे प्रेडेटर एनिमल्स के उसको चुराने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लोग कितने सारे खड़े हैं, देखो दूर तक है सब। गणेश की साइटिंग हमें काफी दूर हुई और तब मेरे पास मेरा DSLR भी नहीं था कि अच्छी फुटेज ले पाऊं, क्योंकि गणेश आराम से पेट भर के सो गया था। तो हमने डिसाइड किया आगे बढ़ने का और रिद्धि को ढूंढने का। यहाँ से अपन निकल रहे हैं क्योंकि दूसरी भी है, अभी 2 टाइगर्स के मूवमेंट है, फीमेल की तरफ जाएंगे। लेट्स सी अगर कोई और मिल जाती है फीमेल तो, क्योंकि वो तो बहुत दूर है यार, वो दिख रहा है बट कैमरे में नहीं प्रॉपर पता चलेगा। एक अच्छे गाइड का होना आपकी सफारी को काफी मेमोरेबल बना देता है और टाइगर दिखने के चांसेस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अरे ये रिद्धि को है ना, हां महावीर की बड़े गेट से आई है, 100% यहां के आएगी शाम को, मैं गारंटी दे रहा हूं क्योंकि वो बड़े गेट से कछु आई और हमें कुछ ही देर में रिद्धि दिख भी गई। टाइगर 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 पूरा पानी पी रहे सामने, और वो पानी पी रहे और ये भी दूर है बट रिद्धि है ये। रात में घुसेगी वो पीएगा
हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से शायद, क्योंकि वहीं से घूम के जाएगी उधर। लेट्स सी अगर क्लोजर व्यू मिल जाए। मगर एक बार फिर से दिक्कत थी कि ये भी हमसे काफी दूर थी। वैसे कैंटर का एक और ड्रॉबैक होता है भाई साहब, बहुत दूर है। नाउ कीप क्वाइट प्लीज, सेटिंग करो ना भाई, जंगल में आवाज करना अलाउ नहीं है, प्लीज कमेंट्री ना करें, बैठिए। यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मम्मी पूछ रहे। टाइगर का इंतजार कर रहे। टाइगर का रात जो एडवेंचर छ एडवेंचर छ देखा है तो हाय हाय मां। अब इन बच्चों को तो नहीं पता कि जंगल सफारी में शांत रहना चाहिए, मगर इस वक्त इनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको समझाएं कि जंगल के कुछ रूल्स हैं और उनका पालन करना पड़ता है। कई बार इस शोर के चक्कर में टाइगर भी मिस हो जाता है। अब कहने को तो हमें दो टाइगर्स दिखे थे, मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं था। खैर कोई नहीं, अभी दो सफारी और बची थी। गुड मॉर्निंग गाइज, ये रहा पीछे रणथंबोर और अभी हो रहे हैं 6:30 होने वाले हैं, 6:22 प्रिसाइज। और अब देखोगे तो सामने जो रोड है अभी कोई जीप नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी ये मौसम ठीक लग रहा है आपको, बट रात को हुई थी काफ़ी ज़्यादा बारिश। अभी मून भी दिख रहा है वहाँ पर, और भाई बारिश हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही रणथंबोर में। बट दैट्स ओके, अभी नहीं है। बट इस चक्कर में क्या हुआ है कि डिले हो गया है थोड़ा। अब नेक्स्ट डे हमारी सफारी थी जोन 10 की, मगर रात में हुई तेज बारिश की वजह से रूट्स डाइवर्ट हुए और हमने दोबारा सोचा जोन 3 में जाकर गणेश की अच्छी साइटिंग के लिए ट्राई करने का। इस बार क्योंकि मेरे पास जिप्सी थी तो मॉर्निंग सफारी में हम टाइम पर एंटर कर गए जोगी महल गेट से। फिर एक बार इन्फॉर्मेशन मिली कि गणेश सांबर किल को ड्रैग करके किसी झाड़ियों में बैठा है, तो हमने भी सीधा वहीं अपनी जिप्सी लगा दी। और फिर मैंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो जो सांबर मारा उसको खींच रहा है उस तरफ। गणेश अपने सांबर किल को सिर्फ अपने मुंह से पकड़कर कई मीटर तक घसीट रहा था। एक सांबर डियर जिसका वेट ऑलमोस्ट 200 केजीज होता है, उसको इतनी इजीली अपने मुंह से ड्रैग करना आपको एक टाइगर की ताकत के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये जो अभी आपने आवाज सुनी, ये डियर के बोन टूटने की आवाज थी। इमेजिन द पावर ऑफ अ टाइगर। भाई कहाँ तक खींच के लेके जाएगा यार ये? मैं तो सामर डियर। हाँ मुझे भी देखा, पूरा उसके टांगे ऊपर थी, वापस आ गया। वाओ गॉड इन डाइन, ओह माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। हां इट्स नॉट गुड टू मी, इट्स गुड। ओह लुक, आ वापस आ गया। लुक एट द नाइट, लुक एट, लुक इज आफ्टर द क्रो। ओह लुकिंग एट अस, हमारी तरफ देख रहा है एकदम। तो हमारी पूरी सफारी गणेश को खाते देख ही गुजर गई। वापस आकर कुछ खाने के बाद वक्त था हमारी थर्ड और आखिरी सफारी का, जो कि होने वाली थी जोन 4 में। मैं चौपाटी बैठ गया था गुल भाई के साथ लंच करने के लिए, जिन्होंने हमारी सारी सफारी बुकिंग्स कराते हैं। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप भी उन्हें कॉन्टैक्ट कर लेना सफारी बुकिंग के लिए। और ये हमारी थर्ड सफारी के लिए जीप आ चुकी है, जो कि इवनिंग सफारी है हमारी। अब तो चलते हैं फटाफट। वो तो आपने सुना ही होगा, थर्ड टाइम लकी। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी, क्योंकि इस बार हमारा लक चमकने वाला था, कुछ ज्यादा ही चमकने वाला था। जंगल में थोड़ी देर घूमने के बाद हम पहुंचे शक्ति टाइग्रेस के एरिया में, जहां उसके 3 सब एडल्ट कब्ज उसके साथ रहते थे। सब एडल्ट कब्ज आपको किसी नॉर्मल टाइगर की तरह ही ग्रोन अप दिखते हैं। और फिर हमने देखा जिप्सी और कैंटर्स का एक जैम, जिससे क्लियर था कि टाइगर की साइटिंग हो रही है। हाँ, हम पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। गिद बना। कहाँ तक? आप पता नहीं भाई साहब, आपको भी नहीं दिखा, मतलब मैं भी आपके जैसे, आप मेरे जैसे। रणथंबोर में जब भी टाइगर दिखता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा जैम मिलेगा जहां आगे पीछे होने की भी जगह नहीं होती। जिसने पहले अच्छा स्पॉट पकड़ लिया उसको टाइगर भी अच्छे से दिखेगा, और जो पीछे रह गया वो टाइगर के इतनी पास होकर भी उसको अच्छे से देखने से चूक जाता है। मगर हम चूकने वाले नहीं थे। हमारे गाइड और ड्राइवर ने किसी तरह जिप्सी आगे ले जाकर लगाई और फिर हमें दिखा ये। ओह लवली, ओह लवली,
नहीं बस सीधा इधर देख रही है यार, उसका बहुत अच्छा शॉट आ रहा है यार। एक जगह ने तो कैमरा अच्छा लेना ही रहा है, क्या शॉट आ रहा है। खड़ी हो रही है, ब्यूटीफुल। Can you see it? It is drinking water. Yeah. क्या चीज़ है यार, बार बार ऐसे शॉट मिलते हैं, फिर मन करता है बार बार आओ। गाड़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं, आसपास से डर जाएगी। अरे ले लो थोड़ा सा यार, इन गाड़ियों को देखने दो। अरे बढ़ा दो अब तो। हम तो अब डाउन। There she is, beauty, beautiful. भाई यार क्या हो रहा है यार, ये पीछे भी गाड़ियाँ तो लुक है, उनको भी जरा मिल जाए जगह देखने की। अरे भाई थोड़ा आगे बोलो। फिर जगह नहीं बनेगी तो फिर वो लोग नहीं देख पाएंगे बेचारे। तो आराम से वहाँ सो रही है, और यहाँ सॉरी गाड़ियाँ इतना शोर कर रही हैं, तभी से पता है यहाँ पे गाड़ियाँ पर हार्डली मैटर। ये शक्ति के उन बच्चों में से ही एक मेल टाइगर था जो ठंडी जगह ढूंढते हुए इस वाटर होल के पास आकर लेट गया था। मेल बच्चा है, मेल है, मेल है भाई। ये बच्चा है सोचो यार, ऑलमोस्ट फुल्ली ग्रोन हो गई है अभी। हाँ। अपनी माँ से अलग होने वाले का टाइम आ गया इसका। ये हुई ना बात। जंगल सफारीज आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, मगर सबसे ज्यादा जो सीखने को मिलता है वो ये कि जंगल कोई जू नहीं है। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि आप जो सोच कर आ रहे हो वैसा ही सब देखने को मिलेगा। मगर हाँ, जंगल ये जरूर सिखाता है कि अगर आप में पेशेंस है और आप जंगल को टाइम देते हो तो वो आपको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। अगर आपको भी ट्रैवल और वाइल्ड लाइफ व्लॉग से प्यार है तो सब्सक्राइब करके शामिल हो जाइए हमारी गैंग में, और चलिए हमारे साथ कुछ अमेजिंग एडवेंचर्स पर।